इस समय है जय श्री गोविंदा कोल्ड स्टोरेज में, और अगर बात की जाए तो कन्नौज और कानपुर नगर बॉर्डर पे हमारे साथ मैनेजर साहब हैं। तो मैनेजर साहब से बातचीत करते हैं, जैसा कि पिछली बार आप लोग देखते रहे निकासी में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज निकासी रहती है, इस वर्ष क्या पोजीशन है और क्या यहाँ पे बिक्री चल रही है सबसे ज्यादा? अगर माना जाए तो सोना ऊर्जा आलू इस कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, हाइब्रिड आलू की संख्या अगर बात की जाए तो बहुत कम संख्या होती। तो मैनेजर साहब आपका स्वागत है समाज के। सबसे पहले ये बताइए कि अपने कोल्ड स्टोरेज के समय की स्थिति अगर देखी जाए तो क्या माहौल चल रहा है बिक्री वगैरह का? बिक्री भैया हो रही है, हाइब्रिड आलू बिक रहा है 150 से 200 रुपया। अपने यहाँ अगर बात की जाए तो हाइब्रिड कितना लगभग रह गया होगा कोल्ड में? हाइब्रिड यही मान के लो 25-30 हजार रुपए की होगा मैं बीजा के। मैं बीजा का। और अगर चिपसोना की बात की जाए सुगर फ्री वाले सोना 20 हजार रुपए की, तो इस बार चिपसोना अपने कम है? चिपसोना कम रह गया है, लेकिन था तो 80 हजार रुपए की, बाकी निकल गया है। तो क्या अनुमान लग रहा है अगर अपने निकासी की अगर बात की जाए तो कितने परसेंट लगभग निकल गया होगा? ऐसे निकल गए 76-77%। तो अपने अगर देखा जाए 77% निकल गया तो अभी बीज वाला भी लगभग निकलेगा 8-10%? अब नहीं निकलेगा, बीज वाला 1-2% जाएगा बस, बीज वाला निकल चुका था। तो लगभग 80% के आसपास मान लीजिएगा। हाँ 80% के आसपास मान लीजिए। 80% में राशन वाला आलू लगभग अगर अनुमान किया जाए तो राशन वाला आलू क्या चल कितना लगभग रह गया होगा? राशन वाला आलू करीब करीब मान लो 45 हजार रुपए की थे। 45 हजार ऊर्जा ज्यादा दोनों मिला के दोनों। सोना आलू की अगर बात की जाए तो सोना आलू क्या बिक्री चल रही है और क्या माहौल है? सोना मजबूत बाजार 450 से 500 रुपए। डिमांड कैसी है? कि सोना डिमांड बहुत है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो हाईलैंड की डिमांड है सोना की दो आलू में से कौन सा? हाईलैंड भी बढ़िया बिक रहा है, 4-4.25 रुपए पोजीशन आ गई हाईलैंड की। 4-4 बढ़िया अगर है तो 30-35 रुपए, 4-30-35 रुपए पोजीशन। कल की डेट में कुछ बाजार और भी बढ़े? हाँ कभी बढ़ी हुई तो बता रहे, नहीं तो अभी तो पौने 400-400 बिक रहा था। इस समय की अगर देखा जाए तो कुल मिला के निकासी औसतन अगर बात की जाए तो पर डे लगभग कितना निकल जाओ होगा? 2500 रुपए की लमसम रोड निकल जाता है। 2500 तो महीने के लास्ट तक क्या लग रहा है कि 90% के आसपास कांटा पहुंच जाएगा? 85 के आसपास पहुंच जाएगा, बीजा वाला कम हो गया है ना निकासी है। तो अपने कोल्ड में क्या स्थिति लग रही है? निपट जाएगा? निपट जाएगा, बीजा 1000-2000 रुपए की भले बसे। भैया अगर बात की जाए कच्ची आलू की तो क्या उम्मीद लग रही है, कब तक मार्केट में आएगा क्या हो? कच्ची आलू जो पहले गड़ गया है उसमें कम निकलेगा, लेकिन जो अपने जीटी रोड पे आलू चलता है वो दिसंबर के लास्ट में ही निकल पाएगा यहाँ। दिसंबर के लास्ट। जैसा कि हम लोग ठडिया क्षेत्र में जाते हैं कुछ आलू जम गया हो, कुछ पानी भर गया तो कोई ज्यादा निकलने वाला थोड़े आलू 10-15 पैकेट बीघा जो निकल गया। 10-15 पैकेट निकला बीघा, इससे ज्यादा निकलने वाला नहीं है। तो धंधा भी है, धंधा किसान है क्या व्यापारी है? किसान भी है व्यापारी, किसान और व्यापारी दोनों काम कर रहे हैं। आलू वगैरह कुछ गाड़ी वाले उगाड़ो कि नहीं? गाड़ चुके 11 बीघा, गाड़ चुके 11 बीघा। तो कब तक तैयार हो जी आपको? हमारो ये दिसंबर शुरू। तो लगभग मतलब दीपावली के आसपास वाला कोई माहौल नहीं? कोई मामला नहीं, कुल मिला के दीपावली के आसपास वाला कोई माहौल नहीं है क्षेत्र में। और अगर बात की जाए निकासी की तो निकासी कन्नौज जिले में शायद हमको लगता है कि एक ही आज कोल्ड स्टोरेज ऐसा होगा जिसमें 80% का कांटा छूने जा रहा है, लेकिन इस कोल्ड स्टोरेज में छूने जा रहा है। अगर बात की जाए 80% निकासी तो लग रहा है कि इस कोल्ड स्टोरेज में जो बीज का आलू है वो भी थोड़ा बहुत फंस सकता है, बाकी अन्य आलू सामान्यजनक स्थितियों में बिछेगा। और अगर बात की जाए औसतन निकासी की तो 2-2.5 हजार पैकेट पर डे निकल रहा है।